जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान फ्री बिजली योजना 2024। यानी कि दोस्तों जिन्होंने कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे, जो कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत कैंप योजना चलाई थी, उसमें जिन सभी परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे उनको 200 यूनिट फ्री मिलती है। यानी कि 2 महीने में एक बार बिल आता है, तो 2 महीने उनके तो 200 यूनिट फ्री है साथियों। 200 से ऊपर यदि वो यूनिट खर्च करते हैं तो उसका बिल जरूर आता है। लेकिन जिन्होंने जो कैंपों में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं उनके तो बिल आ रहे हैं, और बिल भी कम नहीं आ रहे हैं, अच्छे खासे बिल आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, अब नहीं मिलेगा किसी को भी 200 यूनिट फ्री योजना का लाभ, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार की योजना थी और अब सरकार ने पासा पलट दिया है, है ना। तो जो भी संपूर्ण जानकारी है वो हम आपको अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। क्या इस योजना में खबर आई है, किन किन लोगों को नहीं मिलेगा 200 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बिल आएगा, ठीक है। तो सारी की सारी चर्चा हम करने वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे परिवार हैं जिनको अभी भी 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, चाहे सरकार बीजेपी की ही है लेकिन फिर भी उनको 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। तो ऐसे कौन से परिवार हैं जिनको अभी भी 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, उनका 0 रुपया बिल आएगा। तो उसी की ताज़ा खबर आई है जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। 1% भी डाउट नहीं रहेगा, सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको अगर वगैरह देखने की, आराम से सब कुछ ध्यान से सुनते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है साहब। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो, इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देखने वाले हैं, क्या खबर आई है। देखो भाई, राजस्थान फ्री बिजली योजना 2024, अब नहीं मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, सभी के आएंगे बिजली के बिल, कांग्रेस की थी यह योजना। अब इसकी सारी चर्चा हम करने वाले हैं एकदम अच्छी प्रकार से, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपके मन में कोई विचार हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों, हम आपकी बात भी जरूर सुनेंगे। आज अब फटाफट से इसकी योजना को हम देखने वाले हैं। देखो जी, आपको ये योजना स्क्रीन पर दिखाई देगी। बिजली के बढ़े सरचार्ज से पिछली सरकार के कैंप में रजिस्ट्रेशन वालों को सब्सिडी की छूट। बिल्कुल दोस्तों, कांग्रेस सरकार के लाभार्थियों को ही मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, शेष का बढ़ेगा बिल। यानी कि आप इसको समझ पा रहे हो क्या, मैं समझाऊं आपको। बिजली के बढ़े सरचार्ज से पिछली सरकार के कैंप में रजिस्ट्रेशन वालों को सब्सिडी की छूट। यानी कि जो बिजली के बिल अब बढ़ा दिए गए हैं, तो छूट किनको मिलेगी, जिन्होंने कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको मिलेगी छूट। अच्छा, कांग्रेस सरकार के लाभार्थियों को ही मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, शेष का बढ़ेगा बिल। यानी कि उन तमाम लोगों का बिल फ्री आएगा जिसने कांग्रेस सरकार के महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनका सबका फ्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, महंगाई राहत कैंपों में जो शिविर लगे थे उनमें जिसने अपनी बिजली का बिल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनका बिल 0 आएगा। अगर आपका पहले से ही पेंडिंग चल रहा है तो आप उसको एक बार पूरा करवा दीजिएगा, फिर आपका कोई बिल नहीं आएगा, 0 बिल रहेगा। और जिनका 0 बिल आ रहा है उनका 0 ही आएगा, उनका बिल नहीं आएगा, ठीक है साथियों। ये है सूचना, और ये खबर आपको कहाँ पर मिलेगी, ये खबर आपको मिलेगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के ऊपर ये खबर डाल दी गई है। जो भी योजनाओं से संबंधित नोटिफिकेशन आते हैं, खबरें आती हैं, वो सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो सभी भाई बहन टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिलता है। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं, फटाफट से देखते हैं भाई। देखो, जोधपुर की खबर है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती झेलते उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज का झटका लगने वाला है। यानी कि गर्मी बहुत भयानक चल रही है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और इसमें भी आपको बिजली की कटौती झेलनी पड़ रही है, लाइट कट जाती है ना,
नींद आती रहती है, सोते रहते हैं, दिन में लेट गई भाई, अच्छा काम करा भाई, मरिया गर्मी भाई, है ना, ये चीज़ें होती है। अच्छा, और उसमें भी आपका सरचार्ज बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि अब तुम्हारा बिल थोड़ा सा महंगा आएगा। किन का आएगा? जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनका आएगा, जिसने नए कनेक्शन जारी करवाए हैं उनका भी बिल आएगा। भैया अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा ना, तो किसी भी हालत में हो बिल आएगा ही आएगा। जो नया कनेक्शन अभी लिए हैं उनका भी बिल आएगा, जो वहाँ पर कैंपों में जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए किसी भी कारणवश, तो उनका भी बिल आएगा और आ रहा है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग RERC के निर्णय के बाद जोधपुर डिस्कॉम ने बुधवार को 54 पैसे प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आदेश जारी किया है। यानी कि अब 54 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। अच्छा जी, ये अलग होता है फ्यूल सरचार्ज, समझ रहे हो, ये मीटर खर्चा होता है, ये अलग होता है, बिल अलग होता है, दोनों को जोड़ा जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे आपको आपने देखा होगा 100, 110, 120 रुपए अलग से लिए जाते हैं मीटर के, और वो जो बिल है वो उसके यूनिट के हिसाब से आता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के महंगाई राहत कैंपों में 200 यूनिट बिजली फ्री लेने के रजिस्ट्रेशन करवा चुके उपभोक्ताओं के बिलों में राहत जारी रहेगी। बिल्कुल, यानी कि जिसने 200 यूनिट फ्री बिजली का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, 100 यूनिट फ्री बिजली थी ना, तो 2 महीने के 200 हो गए ना, आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि साहब हमने तो 100 का करवा रखा है, 200 का नहीं, अरे 100 का ही करवाया है, लेकिन 200 फ्री हो गए ना, 2 महीने के 200 यूनिट हो गए और बिल 2 महीने में आता है, तो 200 यूनिट फ्री रहेंगी आपकी जिसने कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाया है। चाहे वो कैसा भी परिवार हो, गरीब हो, मध्यम हो, कैसा भी हो, पैसे वाला हो, कोई मतलब नहीं है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसका 200 यूनिट 2 महीने का फ्री आएगा। ठीक है जी, ये खबर है। अच्छा, बाकी के पैसे लगेंगे भाई। आगे बात करें, जबकि रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित रहे और नए घरेलू उपभोक्ताओं से ये राशि वसूली जाएगी। यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो वंचित रह गए, उनसे भी राशि वसूली जाएगी, और जो नए कनेक्शन लिए हैं अब फिलहाल में उनसे भी ये बिल वसूला जाएगा, उनसे बिल लिया जाएगा भाई। ठीक है जी, आगे, इन उपभोक्ताओं से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति माह या 2 महीने में एक बार जारी होने वाले बिलों में ये राशि वसूली जाएगी। फ्यूल सरचार्ज की राशि जून के बिलों में जोड़ी जाएगी, और अब जून का जो महीना चल रहा है इसका जो बिल है उसका जो पैसा है वो फ्यूल सरचार्ज वगैरह जो भी है वो जुलाई में आपसे ले लिया जाएगा, जो वसूली इसकी जुलाई में होगी। ठीक है जी, आगे समझते हैं। यूं समझिए बड़ी बिल की राशि। राहत कैंपों में अपंजीकृत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है। अपंजीकृत का मतलब यह है कि जिसने पंजीकरण नहीं करवाया है उनकी संख्या ज्यादा है, और जो पंजीकरण करवा चुके हैं वो तो कम है, लेकिन उनसे भी ज्यादा कैसे लोग हैं जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया है, किसी भी कारणवश नहीं करवाया हो चाहे, उनकी संख्या ज़्यादा है। बिजली कंपनियां इसका फिगर जारी नहीं कर रही हैं। अब फ्यूल सरचार्ज 2 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा करके 54 पैसे करने से पूरे साल अपंजीकृत उपभोक्ताओं की राशि चुकानी होगी। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं उनको पैसे देने पड़ेंगे भैया, हर 2 महीने में बिल आता है तो 2 महीने में बिल भरना ही पड़ेगा, फ्यूल सरचार्ज भी देना होगा, मीटर खर्चा भी देना होगा। 300 से 500 यूनिट प्रति महीने बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 150 से 270 रुपए प्रति महीने चुकाने होंगे, ज्यादा रुपए लगेंगे अब आपके। यानी कि जो अपंजीकृत हैं जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है उनके पैसे लगेंगे भाई, 150 से 200 रुपए तो तुम्हारे वैसे ही ज्यादा लगेंगे। पूरे साल भर में 2000 रुपए का भार पड़ेगा, ये मान के चलो तुम पूरे साल में 2000 रुपए तो तुम्हारे मीटर खर्चे के ही भरने होंगे। अच्छा जी, ये हर बिल में जोड़े जाते हैं, ऐसे नहीं अलग से देने पड़ेंगे, बिल में जुड़ करके आएंगे ये तुम्हारे। ठीक है साथियों, ये चीजें हैं। मौजूदा भजनलाल सरकार की ओर से घरेलू श्रेणी के इन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। जो भजनलाल सरकार है राजस्थान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया है कि भाई आगे नए जो पंजीकरण हुए हैं उनका क्या करना है, नए मीटर लगवाए हैं उनका क्या करना है, उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अच्छा जी, आगे बात करें, ये बिल क्यों बढ़ रहा है। हर महीने 950 से 1000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। जोधपुर डिस्कॉम मासिक बिलिंग की राशि करीब 1650 करोड़ रुपए होती है। इनमें यानी कि जो बिल वसूले जाते हैं उनकी राशि ज़्यादा होती है, और सरकार जो है ये कंपनियों को कम राशि दे रही है, इसलिए कंपनियां घाटे में चल रही हैं, तो अब बिल की राशि बढ़ाई गई है। ये चीज़ें हैं साथियों। आगे की बात करें, आगे की बात ये है दोस्तों,
घरेलू श्रेणी के 36 लाख से भी आधे भी कांग्रेस सरकार के महंगाई राहत कैंपों में पंजीकृत नहीं हैं। यह गत साल गहलोत सरकार ने महंगाई राहत शिविर लगाए थे, इसमें पंजीयन करवाने वाले उपभोक्ताओं को ही 100 यूनिट फ्री बिजली के साथ इन्हें स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ रही है। यानी कि जिनके 100 यूनिट फ्री हैं महीने के, उनको ना तो फ्यूल चार्ज देना पड़ रहा है, ना कोई मीटर खर्चा देना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, उनका तो फ्री ही है साथियों। ठीक है जी, जबकि इससे पहले 50 यूनिट फ्री देने की योजना के तहत सभी घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा था। कैंपों में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता लागू करने के बाद लाभार्थियों की संख्या कम हो गई, इसके बाद सरकार बदल गई तो रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गया, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस सरकार थी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो लोगों ने महंगाई राहत कैंपों में, फिर सरकार बदल गई, फिर सरकार बीजेपी आ गई और बीजेपी सरकार आते ये जो रजिस्ट्रेशन थे ये बंद कर दिए गए थे, आप सबको पता है, उसके बाद में चालू ही नहीं हुए हैं। इससे नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता इससे पूरी तरह से वंचित हो गए हैं। अब जो नए उपभोक्ता हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, वो भी बेचारे बिल भरेंगे, और जिन्होंने अभी कनेक्शन लगवाया है नया वो भी बिल भरेंगे। अब बचेंगे कौन? केवल और केवल वो बचेंगे जिसने फ्री बिजली का 100 यूनिट वाला रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उनको बिल नहीं भरना पड़ेगा, बाकी सबको भरना पड़ेगा साथियों। ये है ताज़ा खबर, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या समझाया है। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकल हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।